इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स। अब यहाँ पे उन्होंने तीन एजम्पशंस कंसिडर किए। पहला कह रहा है कि कॉन्फिगरेशन फैक्टर ऑफ आइदर सरफेस इज यूनिटी, ठीक है, देयर इज नो एब्जॉर्बिंग मीडियम सच एज एयर इन बिटवीन द सरफेस, और लास्ट इमिसिविटी एंड रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज आर कॉन्स्टेंट ओवर द इंटायर सरफेस। चलिए अब अगर तुम ये देखोगे कि द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट हैज़ बीन लेफ्ट सरफेस मीन्स वन पर यूनिट टाइम क्यू वन हो, तो ये क्यू वन किसके इक्वल हो जाएगी, तो ये देखो ये क्यू वन जो है, अब हम पुराने वाले फिगर पे चल रहे हैं, ये क्यू वन जो है किसके होगी, तो ई वन माइनस, अब यहाँ पे क्या मिला इसको, यहाँ पे मिला उसको यहाँ का अल्फा वन, क्योंकि अल्फा वन यहाँ पे साथ में चल रहा था, तो ये अल्फा वन इंटू एक मिनट रुपये, हाँ बराबर है, ये अल्फा वन साथ में चल रहा था, तो ये अल्फा वन इंटू वन माइनस अल्फा टू, ठीक है, अल्फा वन माइनस अल्फा टू इंटू ई वन दूसरा प्लस अल्फा वन, क्योंकि अब ये ऊपर से ही चलता आ रहा है, तो ऊपर से चलता आ रहा है, तो अल्फा वन वो एज इट इज़ रहेगा, ये वन माइनस अल्फा वन यहाँ पे आ जाएगा, और इसके साथ एक नया ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा वन माइनस अल्फा वन, ठीक है, प्लस एक्चुअली इसने दो स्टेप्स को एक साथ ऐड कर दिया, एक मिनट, हाँ उसने दो स्टेप्स को एक साथ ऐड कर दिया, ये पार्ट यहाँ नहीं होगा, ठीक, तो पहले वाले में क्या हुआ, अल्फा वन वन माइनस अल्फा वन, दूसरे वाले में वन माइनस अल्फा वन इंटू वन माइनस अल्फा टू, तीसरे वाले में वन माइनस अल्फा वन इंटू वन माइनस अल्फा टू का स्क्वायर प्लस वन माइनस अल्फा वन का स्क्वायर इंटू वन माइनस अल्फा टू का स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब इसमें से उसने ऑब्जर्व किया, मतलब अब ये पूरे ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, तो ब्रैकेट को ओपन करोगे तो जो आपका इक्वेशन बनेगा वो होगा ई वन प्लस अल्फा वन वन माइनस अल्फा टू इंटू ई वन। अब यहाँ पे देखो वन मतलब माइनस अल्फा वन वन माइनस अल्फा टू ई वन जो है वो सभी में कॉमन है, ये वर्ड यहाँ पे सभी में कॉमन है, तो कॉमन वर्ड्स को उसने क्या किया, कॉमन बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, तो ये कंप्लीट फिगर है, इसलिए वन प्लस यहाँ पे बचा वन माइनस अल्फा वन इंटू वन माइनस अल्फा टू प्लस वन माइनस अल्फा वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस अल्फा टू का स्क्वायर। तो बाद में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि वन माइनस अल्फा वन और वन माइनस अल्फा टू जनरली सभी में आ रहा है जिसके पावर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अब इस पूरे टर्म को मैं अगर जेड कंसिडर कर लूँ, जेड है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस जेड रेज़ टू पावर फोर। ये देखो उसने यहाँ पे कंसिडर किया वन माइनस अल्फा वन और वन माइनस अल्फा टू को जेड। तो अब आपका इक्वेशन क्या बना, ई वन माइनस अल्फा वन ब्रैकेट में वन माइनस अल्फा टू इंटू ई वन होल ब्रैकेट वन प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस वन। अब इन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व किया और कंसिडर मतलब अज्यूम किया कि अगर जेड की वैल्यू लेस देन वन होगी तो द सीरीज वन प्लस जेड स्क्वायर सो ऑन जो है वो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, तो वो होगी वन अपॉन वन माइनस जेड के इक्वल। तो चलिए अगर वन अपॉन वन माइनस जेड के इक्वल हो जाएगी तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो ये पूरा टर्म रिप्लेस होके इसकी जगह हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस जेड। तो इक्वेशन क्या बना, ई वन माइनस अल्फा वन वन प्लस वन माइनस अल्फा टू इंटू ई वन अपॉन वन माइनस जेड, क्लियर। चलो अब इसने क्या किया, ई वन को इसने कॉमन करके कंसिडर किया क्योंकि यहाँ पे भी ई वन है और यहाँ पे भी ई वन है, तो हमने क्या किया ई वन को कॉमन निकाल दिया, तो हमारा क्या बचा, तो वन माइनस अल्फा वन वन माइनस अल्फा टू अपॉन, अब इसे भी उसने ओपन कर दिया ये जेड को,
जेड क्या हो गया, तो 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा 1 और 1 माइनस अल्फा 2। ठीक, अब एज पर किरचॉफ्स लॉ, इमिसिविटी एंड एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ द सरफेस आर इक्वल एंड सो अल्फा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 सॉरी एप्सिलॉन 1 एंड अल्फा 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2। अगर ये एप्सिलॉन और वो इसके एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी, जो अल्फा वाली वैल्यू जा रही थी, वो अब किस में हो जाएगी, एप्सिलॉन में हो जाएगी। तो हमारा इक्वेशन क्या बना, क्यू वन इज इक्वल टू ई वन, वन माइनस एप्सिलॉन वन, वन माइनस एप्सिलॉन टू अपॉन वन माइनस एप्सिलॉन वन इंटू वन माइनस एप्सिलॉन टू। अब ये अगर मैं इसके में मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा जो इक्वेशन है वो इस तरीके से एलिब्रेट हो जाएगा। एलिब्रेट होने के बाद आपको बस प्लस माइनस यहाँ पर लगाना है और अब जो पार्ट्स हटते जा रहे हैं उनको हटाते जाइए। दूसरा क्या गायब होगा, जो प्लस में है और ये माइनस में है, और ये एप्सिलॉन वन और ये एप्सिलॉन टू गायब हो गया, तो यहाँ पे केवल बचेगा एप्सिलॉन टू। तो इक्वेशन क्या बन गया, तो क्यू वन इज इक्वल टू ई वन मतलब रेडिएंट एनर्जी इंटू एप्सिलॉन टू अपॉन, यहाँ से भी वन प्लस और माइनस को हटा देते हैं तो जो हमारा इक्वेशन बना एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू माइनस एप्सिलॉन वन इंटू एप्सिलॉन टू। ठीक है, एक डेरिवेशन समझ में आया। सो सिमिलरली द सरफेस टू इमिट रेडिएंट एनर्जी ई टू, अ पार्ट अल्फा वन ई टू इज एब्जॉर्ब बाय द सरफेस वन एंड द रिमाइंडर वन माइनस अल्फा वन इंटू ई टू इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द सरफेस टू। सेम क्वेश्चन, मतलब हमने जैसे अल्फा वन से स्टार्ट किया था उसी तरीके से अब अल्फा टू से स्टार्ट करना है। तो ए पार्ट अल्फा टू वन माइनस अल्फा वन ई टू इज एब्जॉर्ब एंड द रेस्ट वन माइनस अल्फा वन इंटू वन माइनस अल्फा टू इंटू ई टू इज रिफ्लेक्टेड एंड सो ऑन। सो प्रोसीडिंग एज डन अर्लियर वी कैन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी विच लीव सरफेस टू पर यूनिट टाइम इज गिवन बिलो। तो हमें अगर सेम इक्वेशंस को ही फॉलो किया, जैसे इवन को फॉलो किया, तो उसी तरीके से आपका ई टू क्या हो जाएगा, तो ई टू हो जाएगा यहाँ पे आपने क्या था, ई वन एप्सिलॉन टू अपॉन एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू माइनस ई वन एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडिएंट एनर्जी ऑफ सरफेस टू इंटू एप्सिलॉन वन अपॉन एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू माइनस एप्सिलॉन वन इंटू एप्सिलॉन टू। सो द नेट फ्लो ऑफ हीट और एनर्जी फ्रॉम सरफेस वन टू सरफेस टू पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय, तो हमारा नेट क्या हो जाएगा, क्यू वन टू इज इक्वल टू वन माइनस टू, और वन माइनस टू से एक दूसरे से वो करोगे तो नीचे का डिवाइडर डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो इक्वल है, तो इक्वल है तो ऊपर वाले पार्ट अल्टीमेटली एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे। तो फॉर्मूला बना ई वन एप्सिलॉन टू माइनस ई टू एप्सिलॉन वन अपॉन एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू माइनस एप्सिलॉन वन इंटू एप्सिलॉन टू। अब अकॉर्डिंग मतलब फॉर नॉन ब्लैक सरफेस, तो नॉन ब्लैक सरफेस के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है, आपका जो फॉर्मूला होता है वो बनेगा एप्सिलॉन वन सिग्मा इंटू टी टी वन रेस्ट पावर फोर एंड एप्सिलॉन टू इज इक्वल टू सॉरी ई टू इज इक्वल टू एप्सिलॉन टू सिग्मा इंटू टी टू रेस्ट पावर फोर। ये तो आपने स्टीफन बोल्ट्ज़मैन में पढ़ के रखा हुआ, तो ये वैल्यू जो है अब आपको यहाँ पे और यहाँ पे पुट करनी है। तो हमने जैसे ही पुट किया तो ये देखो सिग्मा इंटू टी रेस्ट टी वन रेस्ट पावर फोर माइनस सिग्मा इंटू टी रेस्ट पावर फोर, ये कॉमन निकाल दिए। तो कॉमन निकालने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू माइनस एप्सिलॉन टू इंटू एप्सिलॉन वन। ठीक है, चलिए तो अल्टीमेटली आपने जैसे कॉमन निकाला, एक्चुअली एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू जो है ये कॉमन निकल गया, तो एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू कॉमन निकल गया, तो आपका जो अंदर बचा
तो बचा सिग्मा इंटू टी वन रेस्ट का ऑफ 4 माइनस टी टू रेस्ट का ऑफ 4। ठीक है, ये क्लियर है। सो अब मतलब इसमें अल्टीमेटली कंक्लूड किया, कंक्लूजन क्या किया, तो ये जो फॉर्मूला है एप्सिलॉन वन इंटू एप्सिलॉन टू अपॉन एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू माइनस एप्सिलॉन वन इंटू एप्सिलॉन टू, इसे हम लोग बोलते हैं सेफ फैक्टर। ठीक है, अब वो सेफ फैक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, तो एफ ऑफ वन टू टू इंटू सिग्मा इंटू टी वन रेस्ट पावर 4 माइनस टी टू रेस्ट पावर 4। ठीक है, तो एफ वन टू टू इज इक्वल टू आपकी वैल्यू जो भी अधिक है, इस चीज़ को उसने थोड़ा सा एलोबरेट किया। एलोबरेट करने के बाद क्या होगा, एप्सिलॉन वन इंटू एप्सिलॉन टू को सबके डिवाइडर में भेज दो, तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा वन अपॉन अल्फा एप्सिलॉन वन प्लस वन अपॉन अल्फा टू माइनस वन, विच इज कॉल्ड इंटरचेंज फैक्टर। याद रखिएगा, विच इज कॉल्ड इंटरचेंज फैक्टर फॉर द वेरिएशन फ्रॉम सरफेस वन टू द सरफेस टू। चलिए दूसरा पार्ट इसका आया है, इनफाइनाइट लॉन्ग कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर। तो इनफाइनाइट लॉन्ग कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर का मतलब क्या हुआ, एक सिलेंडर है और ये जो सिलेंडर है ये टेम्परेचर को जब रेडिएट करेंगे तब वो कैसे रिएक्ट करेगा उस चीज़ पे डिपेंड करता है। सो कंसिडर टू कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर एज शोन इन फिगर ऑफ एरिया ए वन एंड ए टू एंड इनिशियलिटी अल्फा वन एंड सॉरी एप्सिलॉन वन एंड एप्सिलॉन टू एंड देयर सरफेस मेंटेन एट टेम्परेचर टी वन एंड टी टू। सो अल्टीमेटली वाला इक्वेशन आपने पहले पढ़ कर रखा हुआ क्या कि ए वन एफ वन टू टू इज इक्वल टू ए टू एफ टू टू वन, क्यों, क्योंकि ये हमारा वन हुआ ये हमारा टू हुआ, तो अंदर से जितना रेडिएट करेगा वो उतना ही बाहर वाला जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। तो ए वन एफ वन टू टू इज इक्वल टू ए टू एफ टू टू वन। बाद में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर आपको किसी का सेफ फैक्टर निकालना है तो दो अननोन में से एक को आपको यूनिटी कंसीडर करनी होती है। तो अगर मैंने यूनिटी कंसीडर कर ली एफ वन टू टू तो आपका दूसरे का सेफ फैक्टर निकल जाता है। तो दूसरे का जो सेफ फैक्टर निकलेगा एफ टू टू वन इज इक्वल टू ए वन अपॉन ए टू। ठीक है, तो अगर आपने उसको कंसीडर कर लिया तो कंसीडर द एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया बाय द इनर सिलेंडर। तो इनर सिलेंडर का इमिटिविटी या रेडिएंट एनर्जी इवन जो मतलब वो तो आपको पता है कि इवन होना ही है, और आउटर सिलेंडर एब्जॉर्ब एनर्जी कितना हो जाएगा, तो जितना एब्जॉर्ब किया इनटू जितना रेडिएंट हुआ। और जब आपने किरचॉफ्स लॉ, अभी इससे पहले मैं पढ़ा था कि किरचॉफ्स लॉ में एब्जॉर्बिविटी जो है वो इनिशियलिटी के इक्वल होती है, तो अल्फा टू इवन इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन टू इंटू इवन। सो आउटर सिलेंडर रिफ्लेक्टिंग एनर्जी इज इक्वल टू क्या हुआ, तो जितना आपका टोटल इनर था और जो आउटर था वो दोनों में डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या हुआ, इवन माइनस एप्सिलॉन टू इवन। अब इवन को कॉमन किया तो उन्होंने इक्वेशन लिखा इवन कॉमन किया तो वन माइनस एप्सिलॉन टू। सो अल्टीमेटली इनर सिलेंडर एब्जॉर्ब एनर्जी कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो ये टोटल इनटू उसमें कितना उसका क्या बोलते हैं सेफ फैक्टर था, सेफ फैक्टर इनटू वो कितना एब्जॉर्ब, मतलब ये एनर्जी थी ये उसका सेफ फैक्टर था और ये इसके एब्जॉर्बिविटी थी। इक्वेशन बना ई वन इंटू वन माइनस एप्सिलॉन टू इंटू सेफ फैक्टर टू टू वन इंटू अल्फा वन। ठीक है, और सेफ फैक्टर को हमने पिछले बार इक्वेशन में निकाल लिया था, वो था ए वन अपॉन ए टू। तो हमारा जो इक्वेशन बना वो बना ई वन वन माइनस एप्सिलॉन टू ए वन अपॉन ए टू इंटू एप्सिलॉन वन। ठीक है, सो द इनर सिलेंडर रिफ्लेक्टेड एनर्जी कितनी होगी, तो जितना उसने एब्जॉर्ब किया उसी के आसपास उसने रिफ्लेक्ट किया, तो रिफ्लेक्टेड कितना किया, तो ई वन वन माइनस एप्सिलॉन टू माइनस ऑफ ये होल टर्म, मतलब कितना ये उसने एब्जॉर्ब किया था ये एनर्जी, सॉरी ये एनर्जी उसने रिफ्लेक्ट किया था और ये एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया। तो रिफ्लेक्ट
माइनस एब्जॉर्ब करोगे तो आपका वो डिफरेंस पता चल जाएगा। तो डिफरेंस कितना हुआ, वो हुआ इवन, वन माइनस एप्सिलॉन वन को कॉमन निकाल लिया गया तो बचा वन माइनस एप्सिलॉन वन इवन अपॉन टू। ठीक है, क्या किया हमने, पहले मैंने रेडिएंट एनर्जी निकाला, रेडिएंट के बाद अब्जॉर्ब एनर्जी निकाला जिसमें अल्फा को मल्टीप्लाई किया और बाद में अल्फा की जगह एप्सिलॉन लिखा है। एप्सिलॉन निकालने के बाद आउटर सिलेंडर कितना रिफ्लेक्ट किया एनर्जी वो निकालना था, तो ऊपर हमने क्या किया, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को एक दूसरे से डिवाइड कर दिया। अब कितना एनर्जी इनर सिलेंडर एब्जॉर्ब किया वो कैसे निकालेंगे, तो उसमें हमने सेफ फैक्टर और उसकी एब्जॉर्बिविटी ऐड कर दी, तो अल्टीमेटली उसका एक इक्वेशन निकला जिसे हमने थ्री मान लिया। अब इनर सिलेंडर कितना एब्जॉर्ब किया वो निकल गया, तो अब इनर सिलेंडर कितना रिफ्लेक्ट होगा वो कैसे निकलेगा, तो आउटर सरफेस कितना रिफ्लेक्ट किया माइनस इनर सरफेस कितना एब्जॉर्ब किया वो दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट मिल जाएंगे तो ये। सो इट कैन बी सोन दैट द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इनर सिलेंडर ऑन द सेकेंड रिफ्लेक्शन वुड बी, अब सेकेंड रिफ्लेक्शन आएगा तो आपके पास जो टर्म्स है वो थोड़े से चेंज होंगे। क्या चेंज हुए, तो एप्सिलॉन वन वन माइनस एप्सिलॉन टू का स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड रिफ्लेक्टर आ गया है इसलिए जो सेकेंड इमिसिविटी है वो स्क्वायर के टर्म्स में आ जाएगा, इनटू इमिसिविटी ऑफ वन एक नया ऐड होगा, मतलब ये एक पार्ट पूरा का पूरा नया ऐड होगा, तो एप्सिलॉन वन ए वन अपॉन ए टू और अंदर वाला जो है वन माइनस ए वन अपॉन ए वन अपॉन ए टू इंटू एप्सिलॉन वन। सो दिस एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन कंटिन्यू इनफाइनाइटली, सो वी कैन फाइंड द नेट एनर्जी लॉस बाय द इनर सिलेंडर कंसीडर इनफाइनाइट टाइम्स एब्जॉर्प्शन एंड देयरफॉर हीट लॉस बाय इनर सिलेंडर पर यूनिट एरिया इज गिवन बाय, क्या है, तो है इवन माइनस इवन वन माइनस एप्सिलॉन टू इंटू इवन ए वन अपॉन ए टू प्लस सो। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर इतना बड़ा डेरिवेशन आपने समझाया एक्चुअली यूज है, तो जब भी आप पाइपलाइन इंजीनियरिंग में जाओगे और समुद्र के अंदर से आप पाइप्स निकालोगे जिससे मे बी यूज़ किया जाता होगा डेटा ट्रांसमिशन में, जैसे आपने फाइबर टेक्नोलॉजी पढ़ ली मतलब फ्यूज, या आपको अगर कोई फ्यूज वगैरह इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना है तो वहाँ पे कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है और कितना रेडिएट हो रहा है, मतलब लॉसेज जो हैं वो काउंट करने के लिए आपको ये फॉर्मूलाज यूज होंगे। ठीक है, तो जब आपने इसको मतलब ये सोन लिखा उसके बाद देखो इवन सभी में कॉमन था इसलिए इवन कॉमन करके वन माइनस ए वन अपॉन ए टू एप्सिलॉन वन टू सोन किया, उसके बाद इसमें से उसने ए वन अपॉन ए टू इंटू एप्सिलॉन वन माइनस एप्सिलॉन टू को कॉमन किया, तो इसके बाद एक नया इक्वेशन बना और ये इक्वेशन तो बाद में उसने सिंप्लीफाई करते हुए लिखा है इवन वन माइनस ए वन अपॉन ए टू एप्सिलॉन वन इंटू वन माइनस एप्सिलॉन टू इंटू दिस होल टर्म। ठीक है, चलिए ये टर्म को अगेन उसने सिंप्लीफाई करके ये लास्ट इक्वेशन निकाला, इक्वेशन क्या है, तो क्यू वन इज इक्वल टू हुआ ए वन एप्सिलॉन टू अपॉन वन, सॉरी ए वन अपॉन ए टू इंटू एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू माइनस ए वन अपॉन ए टू इंटू एप्सिलॉन वन इंटू एप्सिलॉन टू। सिमिलरली नेट हीट लॉस बाय द आउटर सिलेंडर पर यूनिट एरिया वुड भी क्या होगा, तो बस यहाँ पे आपको इन्हीं से एप्सिलॉन वन का मल्टीप्लाई कर देना है इनटू उसके साथ जो सेफ फैक्टर आपको निकालना था वो मल्टीप्लाई करना है, बस आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप इनटू क्यू टू निकालोगे तो नेट रेडिएंट हीट ट्रांसफर बिटवीन द इनर एंड आउटर होगा, तो वो क्यू वन टू इज इक्वल टू वन माइनस टू, अल्टीमेटली दोनों उसकी वैल्यू रखोगे, दोनों में जो कैंसिल हो रहे हैं जो कट फिट हो रहे हैं वो काटने पीटने के बाद आपका ये इक्वेशन डिराइव होगा। इक्वेशन डिराइव होने के बाद फिर आप ये नॉन ब्लैक बॉडी कंसिडर करोगे, तो नॉन ब्लैक बॉडी में ई वन और ई टू की वैल्यू एप्सिलॉन सिग्मा टू वन रेज़ टू पावर फोर, ई टू सिग्मा टू रेज़ टू पावर फोर ये वैल्यूज पुट करोगे,
वैल्यूज पुट करने के बाद अब देखते चलो कि क्या क्या कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन में यहाँ पे a1 epsilon 1 epsilon 2 कॉमन दिख गया, जो बचा वो बचा p1 ratio 4 - t2 ratio 4। इसी तरीके से इसमें भी आप सॉल्व करोगे तो दोनों से कैंसिल आउट हो जाने के बाद आपका जो लास्ट में आएगा से फैक्टर वो आएगा 1 upon 1 upon epsilon 1 plus a1 upon a2 into 1 minus epsilon 2 minus 1। तो जिसे हम लोग पहले से इंटरचेंजेबल फैक्टर या इक्विवेलेंट इमिसिविटी बोलते हैं। फॉर रेडिएंट हीट एक्शन बिटवीन इनफाइनाइट एंड कंसेंट्रेट सिलेंडर। अब इसी पे अब आप उसने क्या किया, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। सिंप्लीफाई करते वक्त उसने देखा कि ए वन अपन ए टू क्या होता है, तो वो होगा 2π r1 into 12 upon 2π r2 into 12। ये अगर कैंसिल आउट हो गया तो आपका जो इक्वेशन बचा वो केवल r1 upon r2 है। और कॉन्सेंट्रिक किस पे, मतलब ये किसके लिए था, तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग पाइप के लिए था। और अगर कोई स्फीयर के लिए होगा तो स्फीयर का फॉर्मूला कैसा था, r1 square upon r2 square। ठीक, बस ये r1 square और r2 square यहाँ पे रखोगे तो ये आपका और सिंप्लीफाई हो जाएगा, मतलब कंडीशन टू कंडीशन जो है वो आपका वेरी करेगा। बस आज के लिए इतना रखते, नेक्स्ट टाइम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।